नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्यों भूत प्रेत, क्यों प्रेत आत्माएं त्योहारों के वक्त में ही बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कंपेयरिंग टू अन्य दिनों पे। दोस्तों, बहुत लोग इस चीज़ को मानते हैं, नोटिस करते हैं और महसूस करते हैं, खासकर अगर हम प्रेत रोगियों की बात करें और उन लोगों की जो पैरानॉर्मल एनर्जीज को फील करते हैं, नेगेटिविटी उनके घर में है, काम धंधे पे है, किसी ना किसी उनके फैमिली मेंबर पे है या पूरे परिवार पे है, तो वो देखते हैं कि त्यौहारों के वक्त में और ख़ासकर जब त्यौहार आसपास होते हैं तो नेगेटिव ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो भी उन पे संकट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे शायद सारी चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, शायद उनको कोई बचाएगा नहीं। दोस्तों, क्यों होता है ऐसा? दोस्तों, जितने भी त्यौहार होते हैं, ये ऐसे त्यौहार होते हैं, हम मंगल सेलिब्रेट करते हैं, मांगलिक कार्यों को सेलिब्रेट करते हैं, त्यौहारों में हम शादी को भी गिनते हैं। हिंदू त्यौहारों की अगर हम बात करें, होली, दिवाली, रक्षाबंधन या तीज हो गई या शिवरात्रि हो गई या कृष्ण जी का जन्म हो गया, जन्मोत्सव हो गया या अन्य कोई त्यौहार हो गए, शादी की रस्में हो गई, मेहंदी की रस्म हो गई, तो जितनी भी खुशियों से भरे हुए त्यौहार होते हैं, जब आप उल्लास करते हो, खुशियां मनाते हो, पकवान बनाते हो, मीठा बनाते हो, हर तरीके से रोशनी करते हो, हर तरीके से खुशी को जाहिर करते हो, तो उन चीज़ों में बाधाएं डालने के लिए नकारात्मक ऊर्जा एक्टिव होती हैं। पहली चीज़ जेलसी, दूसरी चीज़ कि हम इस तरीके से खुश नहीं हैं, हम अटक गए हैं पास्ट में, प्रेत योनि में। सबसे पहली शुरुआत पितरों से ही होती है, जब पितर आपके एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम हमें भूल गए और तुम त्यौहार बना रहे हो, तुम मौज ले रहे हो, तुमने जब हम थे तो तुम इतना कुछ हमें मानते थे, अब तुम हमारे बारे में सोच भी नहीं रहे हो, पूछ भी नहीं रहे हो, तो वो अक्सर वो भी तंग करने पे उतारू हो जाते हैं अपने आप को जाहिर करने के लिए कि हाँ हमारे लिए भी कुछ करो। इसीलिए हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ कि त्योहारों पे अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान ज़रूर करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। अब उसके अलावा पितरों की अगर हम बात करें, उसके बाहर की बात करें, तो बाहरी प्रेत आत्माएं जो ब्रह्मांड में घूम रही हैं, ऐसी भी जिनकी कोई पूजा नहीं होती, ऐसी भी जिनका जो पितर होते हुए भी पूजी नहीं जाती या जिनके निमित्त कुछ दान नहीं होता, तो वो आस लगाती हैं अनजान लोगों से कि भाई ये खुशी बना रहे हैं, हमें भी उसका कुछ हिस्सा मिल जाए। और जहाँ बात होती है प्रेत रोगियों की जो ऑलरेडी पॉजेस्ड हैं, तो ऐसे त्योहारों में वो प्रेत रोगी के शरीर पे जो प्रेत बैठा है, नेगेटिव एनर्जी बैठी है, वो पूरी कोशिश करती है कि इस वक्त में वो भी उस त्यौहार को एंजॉय कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा खा सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। उनके लिए एंजॉयमेंट ये भी है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करें, विघ्न डालें। जैसे आप कोई अनुष्ठान करा रहे हो, पूजा करा रहे हो, उसमें विघ्न डाल दिया, आप कोई कंटिन्यूसली पूजा कर रहे हो तो आपको बीमार कर दिया जिससे आपकी पूजा ना हो पाए, त्यौहार में आपके साथ अनहोनी कर दी ताकि आप त्यौहार ना बना पाओ, इन्जॉय ना कर पाओ, शादी के वक्त में अनहोनी कर दी जिससे शादी ना हो पाए, या हो भी गई तो आप कंजुअल रिलेशन ना बना पाओ। तो हर तरीके से ये जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएँ होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज जिन्हें हम कहते हैं, इनका एक ही मकसद होता है डिस्ट्रक्शन, बर्बादी। और त्योहारों को पे क्योंकि इंसान कितना ही कोई दुखी हो, कितना ही कोई गरीब हो, कितना ही कोई परेशान हो, फिर भी हर इंसान किसी न किसी तरह अपना त्यौहार, चाहे छोटे से सामान के साथ, चाहे थोड़े से पैसों के साथ, अपनी खुशी जाहिर कर ही लेता है, अपनी खुशी बना ही लेता है, उसके भी मिलने वाले होते हैं। तो चाहे कोई होली दिवाली है, चाहे कोई बड़ा त्यौहार है, कोई भी त्यौहार हो, इंसान जन्मदिन है तो थोड़ी बहुत खुशी बना ही लेता है। तो ये अगर नकारात्मक ऊर्जाएँ किसी के जीवन में हो या किसी भी आपके परिजन पे हो, तो उनका यही उद्देश्य रहता है कि उस खुशी को भी छीन लिया जाए, उसी को भी गम में बदल दिया जाए, उसको दुख में बदल दिया जाए। तो ये इसी ताक में रहती हैं कि हमें इन चीज़ों को रोकना है, खासकर जो त्यौहार ईश्वर से जुड़े हुए होते हैं, ईश्वर की, जैसे हम दिवाली मनाते हैं कि लक्ष्मी का आगमन हो, कि श्री राम प्रभु आए थे अपने घर वापस अयोध्या, हालाँकि वो आए थे पहले, पर क्योंकि वो आए थे माता लक्ष्मी, हमारी माँ सीता, वो भी लक्ष्मी का ही रूप है, तो हम अक्सर मानते हैं कि धन धान्य खुशियाँ वापस आई तो हमारे घर में भी वो हो, गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो जो भी त्यौहार गॉड से एसोसिएटेड है, होली है, होली का दहन हुआ, वो उस एक बुरी शक्ति का नाश हुआ,
अहंकार का अंत हुआ और जो है प्रहलाद की रक्षा हुई। तो कहीं ना कहीं ये भी पॉजिटिव एस्पेक्ट ईश्वर के प्रति लेके जा रहा है और बुराई का अंत दिखा रहा है। दशहरा क्या है? बुराई का अंत दिखा रहा है। रावण की को उसकी मौत के घाट उतारा गया, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई। तो जितने भी त्यौहार भगवान से जुड़े हुए होते हैं जहाँ बुराई का अंत और अच्छाई की जीत दिखाते हैं, वहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा करती हैं। बिकॉज जितनी भी नेगेटिव सोल्स होती हैं ईश्वर के विरुद्ध होती हैं, ईश्वर के खिलाफ होती हैं, तो जो भी कोई इंसान ईश्वर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तो उसमें विघ्न डालती हैं बताने के लिए कि नहीं, हम नहीं मानते इन सबको, नहीं, हम अपनी नकारात्मकता और फैलाएंगे, ताकि इंसान का जो विश्वास है वो ईश्वर से डिगने लगे, हटने लगे। कि एक पॉइंट आता है जब लोग नहीं ठीक होते किसी के यहाँ, या उनके यहाँ रोग ज़्यादा होता है, तो वो ईश्वर पे से भी विश्वास छोड़ देते हैं, ये सोच के कि शायद भगवान है ही नहीं। कि जब हम ठीक नहीं हो सकते, जब हमें भगवान इस संकट में से नहीं निकाल रहा, तो इसका मतलब भगवान नहीं है। तो हर हद ये एनर्जीज पार करती हैं और ऐसे ही ये मौके तलाशती हैं। त्योहारों के हो गए, जन्मदिन के हो गए, शादी के हो गए, अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, आपका चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया। तो ऐसे मोमेंट्स जो होते हैं जिनमें एस्ट्रोलॉजिकली भी चेंजेस आते हैं, ब्रह्मांड में भी चेंजेस आते हैं, कुदरत में भी चेंजेस आते हैं, सीजन चेंज होते हैं, हर तरीके से ये कोशिश करती हैं आपको ये बताने के लिए कि जिस ईश्वर को आप मान रहे हो, जिस भगवान को आप मान रहे हो, वो नहीं है, हम हैं जो हैं, ताकि आपका आउटलुक भी नेगेटिव बने। आप नेगेटिविटी झेल झेल के झेल झेल के इतने नेगेटिव हो जाओ कि आप भी नेगेटिव करना शुरू कर दो। ऑलरेडी ह्यूमंस आर डूइंग, हर इंसान बुरे कर्म किसी न किसी स्तर पे करता है, बहुत कम लोग होते हैं जो रियलाइजेशन रखते हैं। ये जब किसी के जीवन में आ जाती हैं तो उस बुराई को बढ़ाने का प्रयास करती हैं कि आप इतने बुरे बन जाओ कि मर के इनकी तरह ही बनो और उसी काम पे लग जाओ, सिर्फ नेगेटिविटी को बढ़ाने में और ईश्वर की सत्ता को चुनौती देने में। तो इनका मेन मकसद यही होता है और अक्सर इसीलिए त्योहारों पे प्रबल टोटके होते हैं। सबसे ज़्यादा टोने टोटके बुरे तांत्रिक लोग त्योहारों पे ही कराते हैं। लोग जो बुरे हैं, दूसरों का बुरा चाहते हैं, करते हैं। पर आप इस बात को हमेशा बिलीव कीजिए कि कभी भी भगवान से अपना विश्वास मत टूटने दीजिएगा। चाहे कितने ही संकट आए, चाहे कितनी ही परेशानी आए, चाहे कितना ही आप दुख झेलो, भगवान में भरोसा रखोगे तो ही आपकी जीत होगी। और भगवान में भरोसा रखोगे तो ही अगर मृत्यु को भी प्राप्त हुए आपके रोग के दौरान, तो भी ईश्वर के पास जाओगे, उस नेगेटिव एनर्जी के चंगुल में ना रहो, उससे लड़ने की शक्ति रखो। उसके लिए ईश्वर में ही आपको ध्यान लगाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लीजिए, जाप कीजिए और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि हम ईश्वर की पनाह में हैं, वो हमारी रक्षा करेगा। कभी भी इस विश्वास को मत डिगने देना। जिस दिन आपका विश्वास ख़त्म हो गया भगवान से, उस दिन समझ लो आधी लड़ाई तो ये नेगेटिव एनर्जियाँ जीत ही गई। पूरी लड़ाई वो जब जीत जाती है जब आप पूरी तरह ईश्वर को मानना बंद कर देते हो। बहुत लोग ऐसे मैंने हमारे से मिलते हैं, कॉल कंसल्टेशन पे आते हैं, बताते हैं कि वो भगवान को नहीं मान रहे, घर में मंदिर हटा देते हैं, पूजा पाठ बंद कर देते हैं। कुछ लोगों ने धर्म बदल लिया, कुछ लोगों ने बिल्कुल ही भगवान की फ़ोटोज़ तक फेंक दी, भगवान से नफरत करते हैं। आपके फैमिली में कोई लॉस हुआ, कोई ट्रेजेडी हुई, इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान को मानना बंद कर दो। मैंने भी अपनी मदर को खोया है, अपने भाइयों को खोया है, अपनी फैमिली में बहुत लोगों को खोया है। बट इट डजंट मीन कि मैं ईश्वर को ना मानूं, बल्कि मेरा विश्वास ईश्वर पे और भी ज़्यादा बढ़ गया ये देखते हुए कि क्यों ये सारी चीज़ें होती हैं, क्यों हमारी आत्मा को दर्द झेलना पड़ता है, ताकि हम एटलीस्ट समझ सकें पूरी कायनात कैसे वर्क कर रही है, हम कौन हैं। हमारा सही मायने में तो जुड़ाव किसी के साथ नहीं है, पर ये जो मोह है ना, जो बंधन है, जो प्यार है, मैं जानता हूँ ये तोड़ के रख देता है। और ऐसी मोमेंट ऑफ वीकनेस आती है कि जब आप सवाल करते हो कि हमारे साथ ही क्यों। बट अगर आप विश्वास रखो भगवान में उसके बावजूद भी, तो आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो अगर इस तरीके की मूवमेंट्स आए, वीकनेस आए, घबराना नहीं, आप हमारी धुनी कीजिए, बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है।
नेगेटिविटी भी भाग रही है। जो लोग इतने ज़्यादा परेशान थे, पुराने से पुराने उनके केसेस ठीक हो गए, क्योंकि ये जो धुनी, एक ऐसा हथियार मैंने आपको दिया है, चाहे आप कोई सी भी मेरी धुनी मंगाओ, चाहे सुपर प्लैटिनम, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, चाहे सुपर गोल्ड, ये हर तरीके से इन नेगेटिव एनर्जीज़ की बैंड बजा देगा। धुनी बैंड बजा देती है नेगेटिव एनर्जीज़ की, वो भागती हैं बुरी तरह, रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं कि धुनी बंद कर दो, और हैरान हो जाती हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ। और मैक्सिमम लोगों से ये कहूँगा, अब जैसे होलाष्टक चल रहे हैं, खूब धुनी जलाओ घर में, सुबह दोपहर शाम, होली वाले दिन खूब धुनी जलाना, होलिका दहन पे खूब धुनी करना, ताकि कोई भी नेगेटिविटी का प्रभाव आप पे ना पड़े। पूर्णमासी अमावस पे ज़्यादा से ज़्यादा धुनी करो, दिवाली, जन्मदिन, शादी ब्याह घर में है, मैक्सिमम धुनी करो, ताकि किसी की भी नज़र ना लग सके तुम पे, हाय ना लग सके, टोक ना लग सके, काम बनते रहें, विघ्न ना पड़े, और कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना सके। ये ग्रहों को भी अनुकूल कर देती है, हर तरीके से लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है, चाहे आप सेपरेटली लक्ष्मी प्राप्ति धुनी मंगा लो, उसके लिए हर तरीके से काम बनेंगे। हर नेगेटिव एनर्जी किसी भी किस्म की हो, किसी भी तरह की हो, वो भागेगी। तो भगवान ने हर तरीके से सॉल्यूशन भी दिया है। तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर कुछ नहीं है, ईश्वर सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर है, उसके आगे कुछ भी नहीं है, बस आपको हिम्मत नहीं हारनी और मेहनत करते रहना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। आपको अगर धुनी मंगानी हो, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर गोल्ड या रेगुलर धुनी है, आप सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, इसको ज़रूर मंगा लीजिए। अगर आपको होली पे प्रॉब्लम फील होती है, त्यौहारों पे होती है, तो ये 2-3 दिन में ही आपके पास आ जाएगा लॉकेट, पहन लीजिएगा, आपकी रक्षा होगी, बचाव होगा। कवच मंगा सकते हैं अगर, तो वो पहन लीजिए, बहुत बचाव होगा, ये कभी ख़राब नहीं होता। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में बात कर सकते हैं मुझसे, मैं पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ आपको दे दूंगा जो आपके काम आएंगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।